उसके बाद में मामला गांव पहुंचे, गांव के बाद में शाम बीती, जैसे ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ते भिड़ते गए, एक पक्ष दूसरे पक्ष के घर में घुसकर काफी मारपीट हुई है, दोनों पक्ष जख्मी हुए थे, जिसमें लाठी डंडे जमकर चले। उसके बाद में चार लोग जख्मी हुए, चार लोगों को जो जिला अस्पताल भेजा गया, जहाँ पर एक की घर पे मौत हुई है सुबह के करीब। आरोप लगाया गया है कि जमीन विवाद को लेकर इसमें मारपीट उसी में जख्मी। लेकिन अगर ग्रामीणों की हम बात करें, ग्रामीणों का कहना है पूरी तरीके से कि ये पहले से बीमार चल रहे थे, इनका इलाज था, उसमें इनकी मौत हुई है। लेकिन जो मृतक के परिजन है उनका पूरी तरीके से आरोप लगाया गया है कि जो है मारपीट में ही इनकी मौत हुई है। जी, तो पुलिस ने इस मामले में क्या संज्ञान लिया है? देखिए, पुलिस को दोनों तरफ से तहरीरें मिल गई हैं, मुकदमा पंजीकृत किया, जांच चल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ धीरज जुड़े थे संवाददाता लखीमपुर से, जहां पेड़ को लेकर दो पक्ष भिड़ गए हैं और एक की मौत भी हुई, जिसका इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो मारपीट हुई थी उसकी वजह से ही व्यक्ति की मौत हुई है। तो दोनों तरफ से तहरीर दे दी गई है, पुलिस जांच में जुट गई है। चारबाग बस अड्डे पर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, बस नहीं मिलने से नाराज अभ्यर्थी। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कानपुर के लिए नहीं मिली बस। प्रदर्शनकारियों ने किया सड़क जाम, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रैली में जाने की वजह से नहीं मिल रही बस। चारबाग बस अड्डे पर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, बस नहीं मिलने से नाराज अभ्यर्थी। कानपुर के लिए नहीं मिली बस, प्रदर्शनकारियों ने किया सड़क जाम, रैली में जाने की वजह से नहीं मिल रही बस। चारबाग बस अड्डे पर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, लखनऊ से जहां बस नहीं मिलने से नाराज अभ्यर्थी। कानपुर के लिए नहीं मिल रही बस, प्रदर्शनकारियों ने किया सड़क जाम। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का हलफनामा, बड़ी खबर सामने आ रही है, जो दूसरे राज्यों में लॉकडाउन होगा कारगर, पूरे एनसीआर और दूसरे राज्यों में भी हो लॉकडाउन। दिल्ली सरकार ने कहा, हम लॉकडाउन लगाने को तैयार, दिल्ली सरकार। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा, पूर्ण लॉकडाउन के लिए तैयार, खाली दिल्ली में लॉकडाउन से लगाने से फर्क नहीं पड़ेगा। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का हलफनामा, दूसरे राज्यों में लॉकडाउन होगा कारगर, दिल्ली सरकार ने कहा, पूरे एनसीआर और दूसरे राज्यों में भी हो लॉकडाउन, दिल्ली सरकार ने कहा, हम लॉकडाउन लगाने को लेकर तैयार, दिल्ली सरकार ने इस बात को कहा। साथ ही कहा, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि पूर्ण लॉकडाउन के लिए तैयार, खाली दिल्ली में लॉकडाउन से फर्क नहीं पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने बड़ी बात कही है, प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है और दूसरे राज्यों में भी लॉकडाउन लगाने की बात कही है। साथ ही दिल्ली सरकार ने कहा है कि हम पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार है, दिल्ली एनसीआर के साथ साथ अन्य राज्यों में भी लॉकडाउन लगाना चाहिए, हम लॉकडाउन के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि पूर्ण लॉकडाउन के लिए दिल्ली सरकार तैयार है, खाली दिल्ली में लॉकडाउन लगाने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो आसपास के राज्यों के लिए भी ये बात कही है कि जब लॉकडाउन लगाया जाएगा उसी से प्रदूषण में नियंत्रण लाया जा सकता है। यूपीएसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, पुलिस के हत्थे चढ़ा अवैध शस्त्रों का कारोबारी, शाका और फिर लाला हुआ गिरफ्तार। आगरा से बड़ी खबर, आगरा के इनायत नगर से हुई गिरफ्तारी। यूपीएसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, आगरा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जो पुलिस के हत्थे चढ़ा अवैध शस्त्रों का कारोबारी, शाका और फिर लाला हुआ गिरफ्तार। आगरा के इनायत नगर से हुई गिरफ्तारी, यूपीएसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, आगरा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस के हत्थे अवैध शस्त्रों का कारोबारी चढ़ा है। इसका नाम शाका उर्फ लाला बताया जा रहा है, जिसे यूपीएसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। आगरा के इनायत नगर में इस गिरफ्तारी को किया गया है। आपको बता दें कि यूपीएसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है, वह तरीके से जो शस्त्रों का कारोबार करता था कारोबारी, जिसका नाम शाका उर्फ लाला बताया जा रहा है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आगरा के इनायत नगर से इस गिरफ्तारी को किया गया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, योगी ने की मायावती से मुलाकात,
मायावती की मां के निधन पर जताया शोक। परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां योगी ने की मायावती से मुलाकात। मायावती की मां के निधन पर जताया शोक। परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सीएम योगी ने की मायावती से मुलाकात। मायावती की मां के निधन पर जताया शोक। परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। बीते दिन मायावती की मां का निधन हो गया था, जिसके बाद सभी विपक्षी पार्टियों ने अपनी सहानुभूति जताई थी, सांत्वना प्रकट की थी, शोक जताया था, जिसके बाद अब सीएम योगी भी मायावती से मिले। आपको बता दें कि इससे पहले प्रियंका गांधी भी मायावती के दिल्ली आवास पहुंचकर मायावती से मिलने पहुंची थी, अपनी संवेदना व्यक्त की थी, शोक प्रकट किया था, और अब सीएम योगी ने भी मायावती से मुलाकात की है और परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भाजपा ने किया बड़ा ऐलान। चुनाव घोषणा समिति का किया क्या गठन। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना बने अध्यक्ष। राज्यसभा सांसद ब्रजलाल बने उपाध्यक्ष। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भाजपा ने किया बड़ा ऐलान। चुनाव घोषणा समिति का किया गठन। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना बने अध्यक्ष। राज्यसभा सांसद ब्रजलाल बने उपाध्यक्ष। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जब भाजपा ने किया बड़ा ऐलान। चुनाव घोषणा समिति का किया गठन। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना बने अध्यक्ष। राज्यसभा सांसद ब्रजलाल बने उपाध्यक्ष। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जब भाजपा ने ये बड़ा ऐलान किया है, बड़ी जिम्मेदारी दी है। आप बता दें कि चुनाव घोषणा समिति का गठन कर दिया है भाजपा ने, और साथ ही कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना अध्यक्ष बन गए हैं, यानी कि बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राज्यसभा सांसद ब्रजलाल उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भाजपा ने बड़ा ऐलान कर दिया है, चुनाव घोषणा समिति का गठन कर दिया गया है, जिसके साथ दो मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना अध्यक्ष बने हैं।